बाकी से डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं यहाँ। एनडीएमसी प्रशासन पूछेगा भाई क्यों बैठे हो, वो तो देखो उनका भी काम है पूछने का, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से शांति से बैठे हैं आप लोग, तो कोई कुछ नहीं कहेगा। आरएमआर का जो हमारा मुद्दा था वो कम से कम देखा सबने 1.5-2 साल चला, लेकिन वो क्यों चला 1.5-2 साल, क्योंकि सब ने धैर्यपूर्ण काम करा, किसी ने जल्दबाजी नहीं दिखाई, ना किसी ने बदतमीजी करी, अनुशासन में रह के सारा काम हुआ। तो आप लोग भी मेरे से जुड़े दोबारा आके कि भाई हमारी भी आवाज़ उठाओ। उस टाइम भी मैंने आप लोगों को एक ही बात कही थी भाई कि भाई थोड़ा सा धैर्य रखो आप, जल्दबाजी ना करो, क्योंकि अभी यार हमारा काम भी पूरा नहीं हुआ है, वो चलो हो जाएगा और महीने में पूरा हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों की जो कार्रवाई थी वो मैंने आगे बढ़ा दी है। अभी डिपार्टमेंट ने 31/1/2014 तक के लिए मांगा था, जो मांगा था भाई कि उनको हम जो रह गए थे उनको हम आरएमआर करेंगे, परमानेंट करेंगे, तो डिपार्टमेंट का वो है। तो मैंने उसके साथ साथ एक चीज़ और डाल दी थी कि 31/12/2022 तक जिनके 500 दिन हो गए हैं उनको सबको एक ही साथ ले लो, ताकि ये सिस्टम ही ख़त्म हो जाए कि दोबारा बार बार कोई ना तो कोशिश करेगा ना कोई परेशान होगा। अब प्रशासन उसमें देखो थोड़ा सा टाइम लगता है प्रशासन को भी निर्णय लेने में, हर चीज़ को देखा जाता है भाई हमारे पास इतनी वैकेंसी हैं, हमको कहाँ सेट करना, कैसे करना, कैसे नहीं करना है। आप लोग भाई विश्वास रखो और थोड़ा सा बस शांतिपूर्वक थोड़ा सा ध्यान से वो रहो। आप लोगों का काम भी मैं देखो जितना मेरे बस का होगा मैं तन मन धन से सबके साथ हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि कोई भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, कोई भी कार्रवाई होती है वो लिखित के बगैर नहीं चलती। अभी यहाँ भी हम बैठे हैं तो ऐसे नहीं बैठे हैं, सबको पता है, पहले परमिशन ली गई, ठीक है, 10 आदमी भी नहीं बैठने देंगे ऐसे सारा दिन तक। जंतर मंतर पे चलोगे तो वहाँ भी कोई नहीं बैठने देगा। तो हमारे पास जो हमारी यूनियन का लेटर हेड है इस पर हम लिख के देंगे सबको, और जो भी कुछ करना होगा, धरना करना होगा या फिर चेयरमैन साहब से मिलना होगा या हमें फिर कहीं भी इकट्ठा होना होगा, तो हम लेटर हेड के हिसाब से अपना काम करेंगे। तो इतने साल हो गए आप लोगों को काम करते भाई, तो थोड़ा सा और समय दे दो मुझे, हम अपनी कार्रवाई में लगे हुए हैं। मैं प्रशासन से लगातार बात करता रहता हूँ, मेरे पास मैडम कहीं फ़ोन आते हैं, कहीं के फ़ोन आते हैं कि भाई सर लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। भाई देखो लेट में तो इतना लेट हो गया तो वहाँ दो चार महीने की तो कोई बात है नहीं, ठीक है। और भाई अपनी तरफ से हम तो ये पूरी टीम खड़ी है मेरी भी, सारे भाई हैं अपने, ये तो हम पूरी जी जान से लगे हुए भाई, हम बहुत जल्दी इस काम को पूरी करवाने की कोशिश करें।